परीक्षा के दौरान खाली समय का सदुपयोग कैसे करें? एग्जाम टाइम हुआ तो क्या हुआ, दिन भर में फ्री टाइम के लिए टाइम होना भी जरूरी है। लेकिन परीक्षा के दौरान दिन में खाली समय का भरपूर आनंद कैसे लें? स्टूडेंट्स के लिए आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में मोदी जी देश भर के छात्रों से सालाना जुड़ते हैं, मोटिवेट करते हैं। उन्हीं चर्चाओं से हम ले आए हैं कुछ स्पेशल टिप्स हमारे एग्जाम वॉरियर्स के लिए। देखिए दोस्तों, खाली समय, इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। खाली समय एक सौभाग्य है, खाली समय एक अवसर है। आपकी दिनचर्या में खाली समय के पल होने ही चाहिए, वरना तो जिंदगी एक रोबोट जैसी हो जाती है। दरअसल खाली समय दो तरह के हो सकते हैं। एक जो आपको सुबह से ही पता है कि आज आप 3 से 4 बजे तक फ्री हैं, या आने वाले रविवार को आप आधा दिन फ्री हैं, या आप 4 तारीख को छुट्टी है, आप दोपहर तक आपके पास कोई काम नहीं, आपको पता है। लेकिन दूसरा वो जिसका पता आपको लास्ट मोमेंट में चलता है। अगर आपको पहले से ही पता है कि मेरे पास खाली समय है, तो आप अपने पेरेंट्स या अपने बहन भाई से कह सकते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको क्या काम करना है, आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या हेल्प कर सकता हूं। दूसरा, आप सोचें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको खुशी देती हैं। थोड़ा भारी भरकम शब्द है, स्वांतः सुखाय, जिसमें से आपको सुख मिलता है, आपको आनंद मिलता है, आपके मन को बहलाती है, आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। कीप काम एंड स्वांत सुखाय, खुश रहें और अपने फ्री टाइम को यूजफुल व मीनिंगफुल बनाएं। क्या आप हमारे साथ अग्री करेंगे कि जब आपके पास का खाली समय आप अर्न करते हैं, तब उसे और भी अधिक एंजॉय कर पाते हैं? मोदी जी के अनुसार अर्न किए हुए खाली समय की वैल्यू भी अधिक हो जाती है और वो हमें असीम आनंद भी पहुंच जाता है। अब आपने मुझे पूछा है तो मैं भी सोचता हूं कि मैं क्या करना पसंद करता हूं। मैंने अपनी दिनचर्या में ऑब्जर्व किया है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी खाली समय मिल जाए और अगर झूला है तो मेरा मन करता है कुछ पल में झूले पर जरूर बैठूं। बहुत थकान है और 5 मिनट का भी समय मिल गया, या फिर मैं कोई काम भी कर रहा हूं, तो अपने खाली समय में झूले पर बैठकर पता नहीं क्या कारण है, लेकिन मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। जब आप खाली समय अर्न करते हैं तो आपको उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू पता चलती है। इसलिए आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि जब आप खाली समय अर्न करें तो आपको असीम आनंद दें। यहां यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि खाली समय में किन चीजों से बचना चाहिए, नहीं तो वही चीज सारा समय खा जाएगी, पता भी नहीं चलेगा और अंत में रिफ्रेश रिलैक्स होने के बजाय आप तंग आ जाएंगे, थकान महसूस करने लगेंगे। ये सही बात कही मोदी जी ने कि कई बार हमें डूज तो बहुत अच्छे से याद रहते हैं पर डोंट्स के बारे में भूल जाते हैं। इसका कनेक्शन हमारे फ्री टाइम से भी रिलेटेड है। फ्री टाइम में हमें रिलैक्स होना है, रिफ्रेश होना है, तंग नहीं। एक और बेस्ट यूज है फ्री टाइम का, क्रिएटिविटी। आइए मोदी जी से ही सुनते हैं। एक और मुझे लगता है कि खाली समय में हमें अपनी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बढ़ाने की, और ऐसी कौन सी चीजें हम कर सकते हैं
जो शायद बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगी। आपके माँ या पिता अगर खाना बना रहे हैं, उसे ऑब्जर्व कीजिए, नई नई चीजों में अंदर जाने का, कुछ नया जानने का। इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा दिखाई नहीं देता है, पर जीवन में इसका बहुत बड़ा गहरा प्रभाव होता है। फ्री टाइम का एक और बेस्ट यूज हो सकता है कि आप कुछ गतिविधियों से अपने आप को जोड़ें, जिसमें आप को एक्सप्रेस कर पाए, आपकी यूनिकनेस को बाहर ले आ सके, जिसमें आप अपनी इंडिविजुअलिटी से जुड़ सके। ऐसा करने के बहुत से तरीके हैं और आप भी ऐसे बहुत से तरीके जानते हैं। स्पोर्ट्स हैं, म्यूजिक है, राइटिंग है, पेंटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने थॉट्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक क्रिएटिव तरीका दीजिए, अवसर दीजिए। नॉलेज का दायरा कई बार वहीं तक सीमित होता है जो आपको उपलब्ध है, जो आपके आसपास है, लेकिन क्रिएटिविटी का दायरा नॉलेज से भी बहुत दूर तक आपको ले जाता है, बहुत विस्तार के फर्क पर ले जाता है। क्रिएटिविटी आपको उस क्षेत्र में ले जा सकती है जहां पहले कभी कोई नहीं पहुंचा जो नया हो। हमारे यहां कहा जाता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये क्रिएटिविटी की तो बात है। अरे ये तो इतना सिंपल है। वाकई फ्री टाइम को यूज करने के लिए अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक क्रिएटिव तरीका देना है, बस। ये हमें हैप्पीनेस भी देता है और हमारी नॉलेज भी बढ़ाता है। ये है मोदी जी का सक्सेस मंत्र। फ्री टाइम को मोस्ट वैल्यूएबल टाइम ऐसे बना सकते हैं।